ये साल की सबसे बड़ी सेल द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो कि 10 तारीख को खत्म हो जाएगी, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर परचेजिंग। अगर अभी तक आपने फेस्टिवल्स के लिए कुछ नहीं परचेज किया है तो आपको इस ड्यूरिंग जरूर परचेज करना चाहिए, बिकॉज अमेजोन के ऊपर जो सेल चल रही है उसमें आपको फैशन एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट के ऊपर 50-80% का यूज हॉल मिलने वाला है। साथ ही साथ जो भी आइटम्स है ना उन सभी पे बहुत अच्छे अच्छे से डिस्काउंट है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर परचेजिंग। आप फटाफट से वीडियो देखिए, अगर कुछ भी पसंद आता है तो जाके जरूर परचेज। सो हे एवरीवन, दिस इज मी शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विद शालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेके आ गई हूँ अमेज़न से परचेज किए हुए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल से फेस्टिव वियर साड़ियों के कलेक्शन। साथ ही साथ मैं एक शूट भी शो करूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था वेबसाइट के ऊपर। सो इनकेस अगर आज के हॉल में से आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, आप उसे परचेज करना चाहते हो, तो इनका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सिंगल सिंगल लिंक भी दे रखा है, माई होल स्टोर का भी लिंक दिया है। सो जिस भी लिंक से आप कंफर्टेबल रहो उस पर टैप करके आप इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। और भी ह्यूज कलेक्शन आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, अमेजोन से लिया हुआ है जो भी कुछ है ना मैंने अमेजोन के प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो अगर आज का कलेक्शन कुछ समझ में आता है या नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोज भी आप देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे से कलेक्शन है, तो आप फटाक से वो वीडियो भी जाके देख लो। अगर कुछ भी पसंद आता है तो आप परचेज कर लो, बिकॉज इतना अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे हम अपने आज के। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है मेरा मोस्ट फेवरेट फैब्रिक होता है शिफॉन, तो आज का कलेक्शन टोटली शिफॉन बेस की साड़ियाँ होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में बट टोटली फेस्टिव लुक वाली होने वाली हैं। तो फर्स्ट साड़ी आपको यहाँ दिख रही है, ओरिजिनल इमेज भी आपको दिख रही होगी। इसे मैंने ना MYX ब्रांड से लिया हुआ है जो अमेजोन का खुद का ब्रांड है। इसकी आप कुर्तियाँ ले लो, इसकी आप साड़ियाँ ले लो, कुर्ता सेट ले लो, सब कुछ बहुत प्रीमियम क्वालिटी का आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्लस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट साड़ी, जैसा इसका लुक दिख रहा था ना उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत आया है। समथिंग जो ब्रासो वाला वर्क होता है ना उस तरीके का आपको ये साड़ी मिलेगा। फर्स्टली शिफॉन का इसका फैब्रिक, मूज शिफॉन जो आता है ना वो वाला फैब्रिक प्रोवाइड किया गया है। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल फेस्टिव एप्रोप्रिएट है, आप किसी भी फेस्टिवल में इजिली कैरी कर सकते हो। एंड लुक भी आपको बिल्कुल ना हैवी हैवी फेस्टिवल वाला मिलने वाला है। तो ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे पतली सी बॉर्डर मिलेगी, बीच में ना पूरा आपको इस तरीके से मैं कुछ बोलूँ बांधनी बोलूँ या लहरिया वाला जो प्रिंट होता है ना उस तरीके का प्रिंट मिलेगा। नीचे के साइड में आपको काफ़ी हैवी सा बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर के ऊपर काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ है। एंड ये बॉर्डर ना ब्रासो के वर्क के साथ है, तो बहुत खूबसूरत से शाइन है इसके अंदर। पूरी साड़ी आपको इसी तरीके से सेम पैटर्न में जाने वाली है, ऊपर पतली बॉर्डर, बीच में डार्क पिंक कलर एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन, एंड नीचे के साइड में काफी हैवी सा बॉर्डर। फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू प्राइस ना मस्ट बाई, वर्थ बाइंग वाली है ये साड़ी। यहाँ पे आपको मिल जाता है आंचल जो कि प्रॉपर डार्क पिंक कलर ग्रीन कलर का मिलेगा, ऊपर आपको इस पर पिंक कलर के पूरे प्रिंट दिख जा रहे हैं, तो एकदम डिटेलिंग वाली पीस है। साथ में आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ब्लाउज का फैब्रिक जो कि 80 सेंटीमीटर है प्रोवाइड किया गया है एंड ग्रीन कलर का प्रोवाइड किया गया है। तो जब पूरी साड़ी बन के रेडी होगी ना तो पिंक एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत कमाल का दिखने वाला है। तो इफ़ अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली साड़ी को परचेज करोगे एंड पहनोगे ना, तो आपसे चार लोग ज़रूर पूछेंगे कि कहाँ से लिया, एंड जब प्राइस सुनेंगे तो उनको भी बिलीव नहीं होने वाला है, बिकॉज क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। एंड ये ना पहनने के बाद भी काफी रिच लुक दे रहा है। कुछ साड़ियां होती हैं कि अगर आपने कम प्राइस में ली हुई है ना तो उसका लुक दिख जाता है, बट इसका लुक कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये कितने की है, बहुत अमेजिंग सी साड़ी है। तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सो मूव ऑन करेंगे हम, फेस्टिव कलेक्शन है ना तो मैंने कलर भी फेस्टिवल वाले ही लिए हैं, पिंक एंड येलो, कुछ इसी कॉम्बिनेशन का पूरा हॉल होने वाला है। सो अगेन मैंने यहाँ साड़ी लिया हुआ है नीलघर करके एक ब्रांड है, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, एंड ये ना काफ़ी अमेजिंग साड़ियाँ प्रोवाइड कराते हैं। इससे पहले भी मैंने इस ब्रांड का एक साड़ी रिव्यू किया था, वो भी बहुत अमेजिंग आया था। सो यहाँ पे आपको साड़ी मिल जाती है पूरी ना येलो एंड रेड के कॉम्बिनेशन के साथ, हालांकि इसमें कलर ऑप्शंस और भी हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आता है तो। सो ये रेड एंड येलो लेने का पर्पस था कि फेस्टिवल कलेक्शन में शो कर रही हूँ, तो फेस्टिव के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। आप छठ पूजा में पहनो, आपको बहुत अच्छा सा लुक देगा, प्लस काफ़ी कम्फर्टेबल है बिकॉज फैब्रिक जो है ना बहुत सॉफ्ट वाली जो शिफॉन आती है ना वो मिल रही है।
तो साड़ी आपकी स्टार्ट होती है यहाँ पे, आपको मिल जाएंगे ट्रायंगल वाले गोटा पट्टी का वर्क। पीछे के साइड से ना आपको वर्क जो इसका दिया हुआ है, जो लेस वर्क दिया हुआ है, वो बुकरम के बेस पे दिया हुआ है। तो जो स्टार्टिंग का लेस वर्क है ना, वो काफ़ी टाइट टाइट सा है। बीच में अगेन आपको ये ना लहरिया वाले जो प्रिंट मिलते हैं ना, वो वाले प्रिंट हैं, बांधनी कह लो, थोड़ा सा लहरिया वाला टच है। फैब्रिक छूने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ईजिली आप रैप कर लोगे, प्लस आपका फिगर भी काफ़ी अच्छा दिखने वाला है इस साड़ी के अंदर। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अंडर बजट की फेस्टिव वियर कलेक्शन में इससे बेस्ट साड़ी कुछ हो ही नहीं सकती। सो ये मैं आपको ऊपर का एरिया शो कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 मीटर ऊपर की साइड में आपको लेस वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद से आपकी पूरी साड़ी प्लेन जाने वाली है, एंड यही सेम वर्क ना नीचे के साइड में मिल जाएगा। एंड इसकी जो लेंथ एंड विड्थ है बहुत परफेक्ट है, मतलब 5.5 मीटर की साड़ी है, विड्थ भी इसकी इतनी है कि अगर आपकी हाइट 5'5" है, 5'6" है, 5'7" है ना, तो आप तक ईजिली ये साड़ी आपके अच्छे से आपके अंदर ड्रैप हो सकती है। नीचे का भी लेस वर्क आपको बिल्कुल ऊपर के लेस वर्क जैसा ही सेम मिलेगा। स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट ड्रैप है ना, उसके बाद से ही आपका लेस वर्क पूरा स्टार्ट हो जा रहा है। तो काफ़ी डिटेलिंग वाली, काफ़ी ना फेस्टिव वाइब वाली ये साड़ी मुझे दिखी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ब्लाउज का फैब्रिक अटैच करके मिल जाएगा, जो अप्रॉक्स 80 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया गया है। बट इसमें एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, जो पिक्चर्स में इन्होंने शो किया था ना, उसमें ब्लाउज के फैब्रिक के ऊपर काफ़ी हैवी सा एम्ब्रॉयडरी का वर्क था, हैवी नहीं था, नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी का एंड सीक्वेंस का वर्क था, वो चीज़ मिसिंग है। आफ्टरऑल आप जब पूरी साड़ियाँ बना के रेडी करके पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट वो चीज़ जो शो किया था, जो इमेज में दिखा था, मैंने वो एक्सपेक्ट किया था। वैसे ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप पूरा टोटली बनवा के पहनो, आपको बहुत सुंदर सा लुक मिलेगा। अच्छा, इसका रेड जो है ना, वो काफ़ी जो डार्क रेड होता है ना, ब्लड रेड, वो वाला रेड है, जो बहुत खूबसूरत आई कैचिंग लग रहा है। तो डेफिनेटली मस्ट बाई है, अंडर बजट की ये भी एक बहुत खूबसूरत सा ऑप्शन है। आपको ड्रैप करनी नहीं आता है तो आप इस तरीके की साड़ियों को ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लुक देगा, प्लस बिल्कुल फेस्टिवल वाला आपको वाइब्स भी मिलने वाला है। सो ये रही मेरी सेकंड साड़ी, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट साड़ी मैंने ली हुई है ना, ये काफ़ी ट्रेंडिंग साड़ी है, अमेजोन के ऊपर अखिलम ब्रांड है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की साड़ी प्रोवाइड कराता है, तो उसी ब्रांड से मैंने लिया हुआ है। बट उसके ना जो लोवेस्ट प्राइस की साड़ियाँ हैं उसमें से मैंने पिक किया है, तो आई थिंक अंडर 500 में ये साड़ी मुझे पड़ी हुई थी। तो लुक आप सामने देख लो, मुझे इस साड़ी को देख के ऐसा लगा था कि इसका फैब्रिक जो रिसीव होगा मुझे, आई थिंक की जॉर्जेट रिसीव होगा, बट यहाँ पे आपको बहुत सॉफ्ट वाला सिफॉन का फैब्रिक प्रोवाइड किया गया है, जो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई मुझे मिला हुआ है, क्योंकि जो शिफॉन फैब्रिक भी आपका प्रोवाइड किया गया ना, वो बहुत सॉफ्ट वाला है। सो पूरी साड़ी मैं खोल के आपको शो कर रही हूँ, प्रिंटेड साड़ी आपको मिलेगी, काफ़ी प्यारा सा इस पर प्रिंट है, मतलब बहुत आई कैचिंग टाइप का जो प्रिंट होता है ना, वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको बहुत पतली सी लेस मिल जाएगी, एंड बहुत नीड नहीं थी इस लेस की अकॉर्डिंग टू मी, बट लगा दिया है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको ऊपर के साइड में वही 2.5 मीटर लेस प्रोवाइड किया गया है, बीच बीच में ना आपको यहाँ डव के कुछ इस तरीके से बने हुए प्रिंट दिख जाएंगे, काफ़ी खूबसूरत से, एंड मतलब पिंक के ऊपर ना थोड़ा सा बेज एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन का प्रिंट मिलेगा, पूरी साड़ी प्रिंटेड जाएगी। तो प्रिंटेड साड़ियाँ ना कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, वो ऑलवेज आपका फैशन में ही रहती हैं, आप किसी भी स्टाइल में इसको ड्रेप कर सकते हो। लास्ट में आपको यहाँ पे ब्लाउज का फैब्रिक प्रोवाइड किया गया है, बैंगलोरी सिल्क मटीरियल, मीडियम क्वालिटी है, 80 सेंटीमीटर अगेन यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। क्वालिटी बहुत रिच नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। आफ्टरऑल मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप इसका जो ये ग्रीनिश है ना, इस कलर का कोई ब्लाउज है तो उसके साथ पेयर करोगे तो इसका लुक ज़्यादा निखर के आएगा। बाकी आप बनवा सकते हो, इतना बेकार भी नहीं है, चलेगा, बन सकता है आराम से इसका ब्लाउज। सो पूरी साड़ी पहनने के बाद बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो जो प्राइस से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो वर्थ बाइंग साड़ी है आज की ये भी। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को भी चेकआउट कर सकते हो। सो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस, इस हॉल की नेक्स्ट साड़ी ली हुई है मैंने, मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड अमेजोन के ऊपर रानी साहिबा से लिया हुआ है। कुछ ब्रांड्स होते हैं ना जिनकी क्वालिटी आप किसी भी कैटेगरी में जाके साड़ी लो ना, बहुत अमेजिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अगेन रानी साहिबा का ही साड़ी है, इसमें ऑलरेडी मेंशन था कि इसमें ब्लाउज का फैब्रिक आपको नहीं मिलेगा। साड़ी इस तरीके की है ना कि आप कोई भी ब्लाउज इस पे चलाओगे तो ईजिली चल जाने वाली है। तो अभी हम आएंगे साड़ी के रिव्यू के ऊपर। साड़ी जो आपको रिसीव हो रही है ना, डार्क पिंक कलर के साथ रिसीव हो रही है, प्रिंट बांधनी का दिया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, एंड फेस्टिव वाइब्स वाला प्रिंट आपको मिल रहा है।
यहाँ पे आपको मिल रहा है टेसल्स वर्क एंड पूरी बांधनी प्रिंट के साथ जाएगी। फैब्रिक मूज शिफॉन है, लेंथ एंड विड्थ काफी खूबसूरत दी हुई है, मतलब इनफ दी हुई है, खूबसूरत क्या बोलूं मैं, कि काफी अच्छी दी हुई है कि आपकी हाइट 5'7" तक है तो आप इजिली ड्रैप कर सकते हो। पूरी साड़ी इसी तरीके से जाने वाली है। साड़ी का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो इसका फैब्रिक लगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है एंड कई सारी साड़ियों के साथ जा सकता है पूजा फंक्शंस के लिए। कलर बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत अच्छा है। मैं अगेन बोलूंगी ना कि बांधनी एंड लहरिया के प्रिंट मुझे बस पूजा फंक्शन के ही याद दिलाते हैं। तो अगेन आप इस साड़ी को पूजा फंक्शन में इजिली ड्रैप कर सकते हो, कंफर्टेबल के साथ साथ बहुत अच्छा सा लुक देने वाली है। लुक बुक भी मैंने आपको साइड में शेयर कर दिया है, तो वहां से देख के आप ज्यादा सेटिस्फाइड हो सकते हो कि कितनी अमेजिंग साड़ी आपको रिसीव हो रही है अंडर बजट की। तो डेफिनेटली आप इस साड़ी को भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, इस हॉल का मैंने लास्ट पीस लिया हुआ है, वो एक साड़ी नहीं है, वो एक सूट पीस लिया है। मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये सूट पीस दिखा सजेशन में, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया। अभी चेक करते हैं इसकी क्वालिटी चेक। इसके अंदर कलर ऑप्शन, डिजाइन ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। सो इमेज आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगा। सो फर्स्टली हमारे हाथ में दुपट्टा है, तो हम दुपट्टे से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ना जॉर्जेट फैब्रिक का दुपट्टा मिलेगा, दुपट्टे के ऊपर ट्रायंगल शेप वाले गोटा पट्टी का वर्क मिलेगा। दुपट्टे की लेंथ आपको 1.5 मीटर के अप्रोक्स प्रोवाइड की जा रही है एंड ये साइड दुपट्टा है, तो विड्थ बहुत ज्यादा इसकी नहीं प्रोवाइड की गई है। आप साइड में लगा सकते हो या नेक में लगा सकते हो तो अच्छा दिखेगा। क्वालिटी अच्छी है फैब्रिक की इसकी, तो आप दुपट्टे के साथ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी आएंगे हम इसके बॉटम में, तो बॉटम में आपको बहुत यूनिक चीज, मतलब अभी तक जितनी भी चीजें मुझे रिसीव हुई हैं, मतलब जितनी भी मैंने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, उसमें अगर मैं कुछ इस तरीके का लेती हूँ तो नीचे के साइड में मुझे प्लाजो या फिर कुछ इस तरीके का पैंट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये फर्स्ट सूट मुझे रिसीव हुआ है, जो पुराने जमाने में जो सलवार आते थे ना, वो सलवार इसमें आपको रिसीव हो रहा है, जिसमें आपको नाड़ा डालना पड़ेगा, देन आप इसको वियर कर पाओगे। अच्छा ना, अच्छी चीज है कि नाड़ा भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये चूड़ीदार जो आते थे ना सलवार, वो वाले चूड़ीदार बना के आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फैब्रिक काफी अमेजिंग है, फेस्टिवल के लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन है। बहुत ज्यादा चूड़ी नहीं पड़ेगी, पर नॉर्मल सा सलवार आपको प्रोवाइड किया गया है, तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग कलर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये कलर नहीं पसंद आ रहा है तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप जा सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अभी आएंगे इसके मेन कुर्ती के ऊपर, तो कुर्ती आपको ना बहुत फ्लेयरी वाला मिल रहा है एंड बहुत डार्क पिंक रेड, सॉरी रेड है, पिंक नहीं है, पिंक रेड, यस रेड कलर के साथ येलो का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा लहरिया वाला टच आ रहा है। फ्रंट में राउंड नेक मिलेगा, बैक में थोड़ा सा डीप नेक मिलेगा आपको, एंड स्लिप्स ना उसमें फुल स्लिप शो कर रहा था, बट मेरा स्लिप्स ना, मेरे जो बाजू है ना, तो वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो मैं कितना भी फुल स्लिप्स का ले लूँ, जब तक मैं खुद अल्टर करके नहीं पहनती हूँ, मुझे फुल स्लिप्स कुछ नहीं आता है। तो ये आपको फुल स्लिप्स जो उन्होंने शो किया था वही प्रोवाइड किया गया, बट मेरे में थोड़ी सी छोटी हो रही है। तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक का स्लिप्स है, इसके अंदर लाइनिंग नहीं है, बाकी कुर्ती के अंदर पूरी लाइनिंग है। लाइनिंग का जो मटेरियल है ना, वो सिंथेटिक मटेरियल यूज किया गया है, जो पॉलिस्टर आता है वो। पीछे के साइड में आपको एक नॉर्मल सा लटकन मिल जाएगा। इसके अंदर काफी अच्छा सा फ्लेयर दिया हुआ है, अप्रोक्स 2 मीटर प्रोवाइड किया गया, 1.5 से 2 मीटर का फ्लेयर है, बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा फ्लेयरी कुर्तियां भी आती है, नॉर्मल सा फ्लेयर है, वो मैं साइड में आपको शो कर रही हूँ, आप देख के सेटिस्फाइड हो सकते हो। अंदर जो लाइनिंग प्रोवाइड की गई है ना, वो पूरे फ्लेयर के अंदर प्रोवाइड की गई है, बट वही अगेन लाइनिंग का कपड़ा, यहाँ भी आपको ना पॉलिस्टर मटेरियल जो आता है ना, वही प्रोवाइड किया गया है। कुर्ती का लुक ओवरऑल अच्छा दिख रहा था, बहुत मतलब मैं बहुत अप टू द मार्क नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी है, लुक भी अच्छा मिल रहा है, तो फेस्टिवल में आप डेफिनेटली इस पीस को ट्राई कर सकते हो। कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो। मुझे ठीक ठाक लगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस, मुझे थोड़ा सा ना मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइट एक्सपेक्ट नहीं किया था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ब्राइट आ गया है, तो ठीक है चलता है, फेस्टिवल में ब्राइट कलर के ही ऑप्शंस रखने चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस सूट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो ये रहा मेरा आज का एक छोटा सा हॉल वीडियो, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा या फिर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए नई नई वीडियो लेती आऊँ मोटिवेशन के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।